press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from AIB. What's popping, low gang? Come here. We can't do that. So a lot of you have been asking us the same question over the last year. So we decided, let's end this question once and for all. Maybe we can actually play FIFA on this channel. And joining me to play FIFA is Mr. Palash. Palash is interning at AIB. And to commentate on this FIFA game, we have the very funny Mr. Kumar Varun. Alright, let's just get to it. Alright, what are you gonna pick? I've taken Liverpool. जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जो दो खिलाड़ी हैं, एक ऑलरेडी अब बच्चों के co-founder यानी कि co-founder है और इनके साथ है एक intern जो कि यहाँ पर नौकरी की शुभकामना करते हुए बैठे हैं। पुराने जमाने में जैसे एक जमींदार और एक किसान की लड़ाई हो रही हो तो कितना ही रोमांचक हो सकता है। दोनों अपने अपने भैंस लेके लड़ रहे हैं के साथ ही लिवरपूल और बार्सिलोना के बीच मुकाबला। लिवरपूल जो है वो इंग्लैंड की टीम है और बार्सिलोना जो है वो स्पेन की टीम है। रही है बार्सिलोना जो अपने अवे कलर्स यानी कि नीले कपड़ों में खेल रही है और लिवरपूल अपने घर के कलर यानी कि रेड। पास आता हुआ पोलिनियो, युवा पोलिनियो, पास एक बार फिर डी के अंदर, लेकिन ये कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है बार्सिलोना की तरफ से। बार्सिलोना एफसी यानी कि बार्सिलोना फुटबॉल क्लब यानी कि एफसी बार्सिलोना यहाँ पर आपस में जो आत्मविश्वास था उसकी कमी दिख रही है। मोहम्मद साला एक बार फिर गोल की तरफ, और ये गोल 1-0 से लिवरपूल आगे। 35 मिनट के बाद पहला गोल पड़ता हुआ एनफील्ड में जॉर्जियो विनाल्डम। एडम ललाना साउथहैम्पटन के खिलाड़ी थे, आजकल लिवरपूल के लिए खेलते हैं। बहुत ही अच्छा पास, गोल की संभावना और ये पोस्ट को हिट कर दिया। बहुत ही करीबी मामला था ये। इसके साथ ही कॉर्नर, कोना कॉर्नर आया, अच्छा डिफेंस सेट पीस के साथ और ये गोल 2-0। और ये रेफरी ने हाफ टाइम का ऐलान कर दिया है दोस्तों, 2-0 से लिवरपूल आगे। पलाश और तन्मय, आपके क्या रिएक्शन थे हाफ टाइम पे? को-फाउंडर जी, हाँ, चार लोग हैं आईबी में 25% के अगेंस्ट, आप ऐसे जीतते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? नो, इट्स फाइन, प्ले। 2-0, अभी भी 51 मिनट हो चुके हैं और इसके बाद एडम ललाना आगे बढ़ते हुए। एडम ललाना ने बहुत ही चतुराई के साथ आगे बढ़े, डी बॉक्स के अंदर घुस चुके हैं, पास की उम्मीद, पास किया लेकिन अच्छा पास नहीं रहा और सीधा गोलकीपर के हाथ में गेंद। जी हाँ, गोलकीपर हाथ से गेंद टच कर सकते हैं, आपको बता दें। अच्छा, चलिए गेम में आप वापस आते हैं। और ये अच्छा मौका, ऑफसाइड, ऑफसाइड था यहाँ लुइस सुआरेज़ का। ऑफसाइड का रूल काफी लोगों को नहीं पता है, इनफैक्ट इंटरनेट में ऐसे मीम आते हैं कि अगर किसी लड़की को ऑफसाइड का रूल पता है तो आप उससे शादी कर ले। ये बहुत ही सेक्सिस्ट स्टेटमेंट है वैसे, सच बताऊं तो। खराब कमेंट्री, बीच में काफी स्टैंडर्ड गिरती हुई, काफी अंकल लेवल कमेंट्री है भाई और बहनों। अरुण और मरिंदर की याद दिलाते हुए आपको 90 के दशक के बेहतरीन कमेंटेटर। नो नो, अब जैसा कि आपको अगर मैच में आप कमजोर हैं तो अगले 10 मिनट में बार्सिलोना को कम से कम 4 गोल करने पड़ेंगे ये मैच जीतने के लिए और कम से कम 3 इसको टाई करने के लिए। बहुत ही मुश्किल। लुइस सुआरेज एक बार फिर यहां पर, आंद्रेस इनिएस्टा के पास गोल, पास गेंद, अच्छा पास, लुइस सुआरेज क्रॉस का वेट करते हुए लेकिन कोई स्ट्राइकर दिख नहीं रहे वहां पर। अभी अंदर आए और ये अच्छा इंटरसेप्शन लिवरपूल का, क्वालिटी में 3 गोल के बराबर है बिल्कुल। तो प्रैक्टिकली दूर से लॉन्ग शॉट, ये देखिए लॉन्ग शॉट था ये और कन्वर्ट हुआ। जी हाँ, तो वैसे भले ही स्कोर लाइन 3-1 हो लेकिन दिल में ये 3-3 बिल्कुल, दिल जीत लिया है इस बार्सिलोना ने। और ये अच्छा मौका था, अच्छा मौका था, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 3। बचपन की याद आ गई भाई और बहनों, जहां पहला मैच हारने के बाद हमेशा सेकंड फिक्स्चर जो होगा वो होगा बार्सिलोना में, आपको बता दें, क्योंकि अब होम और अवे का कॉन्सेप्ट होता है फुटबॉल में। अगर आप एक बार हमारे घर पे चाय पियेंगे तो हम आपके घर अगली बार चाय पीने आएंगे, वो वाली बात है। यहाँ पर देखिए, लेफ्ट में जिस टीम का नाम लिखा होता है उसका होम होता है, आपको बता दें। तो बार्सिलोना वर्सेस लिवरपूल इन बार्सिलोना। चलिए एक बार फिर, आपको लग रहा है प्लेयर थक गए लेकिन ये एक्चुअली मशीन के थ्रू खेल रहे हैं तो थकावट उतनी दिखेगी नहीं। लियोनेल मेसी जो भारत में टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर के नाम से जाने जाते हैं,
पास करता हुआ बहुत ही एक अलग ही बार्सिलोना दिखाया पिछले 10 मिनट में यहाँ पर। डिफेंस और अटैक दोनों ही बहुत ही बेहतरीन, लेकिन यहाँ पर अच्छा काउंटर अटैक। मोहम्मद साला आगे बढ़ते हुए, मोहम्मद साला डी बॉक्स में घुसते हुए, शूट का मौका और ये बहुत ही करीबी मामला एक बार फिर, और ये फर्स्ट हाफ खत्म। स्कोर अभी भी 0-0। क्या कहते हैं फर्स्ट हाफ रिएक्शंस तन्मय और पलाश? फॉर्म इज टेंपरेरी बट क्लासेस permanent. BBS लक्ष्मण की याद दिला दी आज तक में आप। जी हाँ, गोमेज युवा डिफेंडर राइट बैक है, पास किया विनाल्डम को, विनाल्डम नेदरलैंड्स के खिलाड़ी, उम्दा खिलाड़ी। मोहम्मद साला एक बार फिर, मोहम्मद साला डी बॉक्स में घुसते हुए, अच्छा पास लेकिन अच्छा इंटरसेप्शन, बहुत ही बढ़िया डिफेंस बार्सिलोना का। बार्सिलोना का अच्छा डिफेंस और लिवरपूल को कॉर्नर मिलता हुआ। नो, एक बार फिर गोल का मौका। नो, और ये गोल क्लास, और ये गोल हो चुका है यहाँ पर। सेकंड हाफ शुरुआत होते ही सादियो माने, हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने। Enough class. जी, सरकाज़म सिर्फ यहाँ पर वीडियोस में दिखाया जाता है, ना कि आम जिंदगी में। अब म्यूजिक में क्यों नहीं करियर ढूंढते वापस गेम में? अच्छा डिफेंस, बहुत ही अच्छा डिफेंस। मेसी के पास गेंद आई, वापस चली गई। इस बार सुआरेस, बेहतरीन गोल। यहां पर बार्सिलोना ने दिखाया कि भैया ऐसे खेलते हैं फुटबॉल। पलाश ने जल्दी से रिप्ले भी नहीं देखा और आगे बढ़ गए। आई डोंट थिंक वो ज्यादा सीखने में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। यहाँ इंटर का ही काम होता है सीखना, और वहां भी फेल होता है। 63 मिनट के बाद स्कोर 1-1। लिवरपूल की तरफ से रॉबर्टसन, लंबा क्रॉस यानी कि लॉन्ग क्रॉस दिया उन्होंने विनाल्डम, विनाल्डम के पास गेंद, रॉबर्टो फर्मिनियो, फर्मिनियो ने अच्छा पास, विनाल्डम, विनाल्डम की अच्छी कोशिश और ये गोल। 1-2 लिवरपूल फिर से आगे। 70 मिनट स्कोर 1-2, रॉबर्टो फर्मिनियो। चलिए एक बार फिर बार्सिलोना की तरफ से काउंटर अटैक, बहुत ही अच्छा बैक पास। अब गेंद मेसी के हाथ में, मेसी के कुछ जंग दिखा पाएंगे? पेनल्टी की अपील होगी यहां पर। अब देखते हैं लियोनेल मेसी इसका, शांत हो जाते हैं 2 मिनट। एम एंड देन शूट पेनल्टी। सिमन मिन्यू ने तैयार, या अल्लाह राइट में मार दिया उन्होंने। व्हाट द फक, मोहम्मद साला अच्छा डिफेंस, लेकिन गेंद एक बार फिर विनाल्डम, विनाल्डम से फर्मिनियो, फर्मिनियो से विनाल्डम, विनाल्डम एक बार फिर डी के अंदर। एक 3 लिवरपूल, सवाल 1 जवाब 3 यहां पर। लंबी खामोशी, 90 मिनट हो चुके हैं, एक्स्ट्रा टाइम में गेम जाता हुआ, और अब इस मैच का कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ ही बार्सिलोना का स्कोर और पलाश का करियर दोनों ही डूबता हुआ। गुड गेम। ओके पलाश, congrats on your victory, and it was nice having you in our office as for your internship is over. Okay, bye. I'm serious. No. Yeah, just go. I'm serious. Just leave. अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना पलाश। चलना मेरे यार। Bye bye. Just go. अगर आपको यह गेम पसंद आया और आप ऐसे गेम और देखना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें कि किसके साथ फीफा और या बाकी ऐसे रोमांचक गेम खेलने चाहिए, कौन से ऐसे युवा और अनुभवी खिलाड़ी हैं। कैरी मिनाटी नाम के खिलाड़ी, उनके साथ खेलना पसंद करें। कैरी मिनाटी नामक एक भारतीय है, भारतीय है, बिल्कुल भारतीय है, बट नाम काफी परदेशी लग रहा है। उनको मैसेज कीजिए और उनको बताइए कि हमारे साथ फीफा खेले, अगले वीडियो में हम कैरी मिनाटी के साथ खेलना पसंद करेंगे। बिल्कुल, कैरी मिनाटी आपका स्वागत रहेगा इस गेम में। जी बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार। अन्ना फ्रेम में आएगा ना, बहुत मारेगा, साइड हो जा।